नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। नवरात्रि का त्योहार आते ही शुरू हो जाती है प्लानिंग कि कब क्या खरीदना है, क्या करना है, नई गाड़ी लेनी है, नया मकान। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा के स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहे हैं और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि की तारीख और शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। अब आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बताते हैं। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस बार 48 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना की तिथि के बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर 2023 को ये तिथि रहेगी, जिसमें अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। अब बात करते हैं माँ दुर्गा की सवारी के बारे में। इस वर्ष माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में इस बार के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। पूरे देश के लिए ये नवरात्रि शुभ साबित होने वाले हैं। अब आपको घट स्थापना और कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री बताते हैं। इसमें सप्त धान्य यानी कि 7 तरह के अनाज चाहिए होते हैं। मिट्टी का एक बर्तन चाहिए होता है। उसके अलावा मिट्टी, कलश, गंगा जल, पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प चाहिए होते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं हो तो आप सादा जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पत्तों में आम या अशोक के पत्तों का इस्तेमाल होता है। आपको हमारा खास प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।